आपका नाम? बलविंदर सिंह बाजवा, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। कहाँ से आए आप? हम आए हैं कुचित्रा से। अभी जो सरकार है वो अपने अड़ियलपन पे रुकी हुई है कि कानून कभी वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन हो सकता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने एक ही बात कही हुई है, सारे भारतीय किसानों ने, तीनों कानून रद्द किए जाए, दूसरी बात ही नहीं है। सरकार जो मर्जी कहती रही, लेकिन किसानों की डिमांड है, किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए हम नहीं लाइक करते ये कानून हमारे लिए बने। सरकार कह रही है कि ये खालिस्तानी है, कि असली किसान तो खेतों में, अभी खालिस्तानी खेतों में है और खेती जो भी करता है वो खालिस्तानी है, क्योंकि ये हेरा फेरा नहीं कर सकता। ये एक बीज डालता है, उसे जो 100 बीज पैदा करता है, इसको भगवान इतनी ताकत दी है, इतनी से क्षमा, एक दाना डालता है 100 दाना पैदा करता है, इतना ईमानदार है, इतना साफ है, इतना अच्छा है, कोई किसी हेरा फेरा नहीं करता, इसलिए इसका नाम जो मर्जी रख लो, लेकिन ये भगत है, किसान भगत है, जय जवान जय किसान है। अभी सरकार कह रही है, एक बात और बोल रही है कि ये जो आंदोलन है राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आएंगे? ये हमारे को फॉर्च्यूनर देख कर राजी नहीं है, हमें ऊपर जाते देख कर राजी नहीं है, हमें 70 साल हो गया देश को आजाद कराया है, अभी हमारी फॉर्च्यूनर देख कर तंग है, हमारे बच्चे बाहर देशों में काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा भारत में एक भी नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे बच्चे बाहर जाकर मेहनत कर रहे हैं, हमारे को फॉर्च्यूनर लेके देते हैं, हमारे को अच्छी अच्छी जगह बैठाते हैं, क्या इनको अच्छा नहीं लगता? अगर ये तीनों कानून उठा लेंगे हमारा देश ही, हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे, जिस दिन ये कानून खत्म हो गए सब हमारे बच्चे वापस भारत में आएंगे, अपना काम करेंगे। सरकार कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहे, हमें समझ क्यों नहीं आ रहे? ये मोदी सरकार ने, ये बोधी सरकार है, बोधी इसमें कोई ताकत नहीं होती, इस सरकार ने अपना अस्तित्व खो लिया है, इस सरकार में कोई ताकत नहीं है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, हमें डर है कि ये देश के टुकड़े ना कर दी ये सरकार, ऐसा ही नहीं, देश बेच बिक गया है, देश का कोई मालिक रहा नहीं है, इसलिए हमें डर है हमारा देश जो है ये कॉरपोरेट के हाथ में बिक ना जाए, और बिक चुका है लगता है, हम इसलिए ये कानून को खत्म करना चाहते हैं।